दबदबा बनाए रखने के लिए Xiaomi ने पावर बैंक 4i 20,000 mAh लॉन्च कर दिया। और भाई मैं इसके अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, मैकबुक को चार्ज करके देखेंगे कितनी फास्ट चार्ज कर सकता है, क्योंकि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। आईफोन और एंड्रॉइड को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, और इसको 3i के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा, 10,000 mAh के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा, मतलब डिटेल में एनालिसिस करने वाले इसको चीड़ फाड़ कर देंगे आज, कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। देखो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग देखते हैं, तो थैंक गॉड यार Xiaomi अब सुधर चुका है, वो लाल पीले हरे नीले बॉक्स लॉन्च करने बंद कर दिया है। ये एकदम डिसेंट सा प्रीमियम सा बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह दे रखे हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अंदर मैं आपको दिखाऊं तो अनबॉक्स करते ही हमें रखा हुआ मिलेगा पावर बैंक, और इसके साइड में रखी हुई मिलेगी टाइप सी टू टाइप सी केबल। तो Xiaomi ने पहली बार ये टाइप सी टू टाइप सी केबल पावर बैंक में देनी शुरू कर दी। जो 10,000 mAh वाला पावर बैंक था उसमें टाइप ए टू टाइप सी दी थी। अब देखो इस पावर बैंक के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करूं ना, सबसे पहले इसका डिजाइन देखेंगे ना, तो डिजाइन अच्छा है और सेम ये वैसे ही है जैसे कि इनका 3i वाला पावर बैंक था 20,000 mAh का, जिसकी हमने डिटेल में अनबॉक्सिंग वीडियो करी थी। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे उस वीडियो पर, इस पर भी यार 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज दिलाओ यार। तो सेम वैसा ही डिजाइन है, कोई भी डिजाइन में चेंज नहीं करा है, बस इसमें मी की जगह Xiaomi लिखा हुआ मिलेगा, और ऊपर जो है माइक्रो यूएसबी की जगह आपको सिर्फ टाइप सी पोर्ट ही मिलेगा। तो फिलहाल आपको 3 पोर्ट्स मिलते हैं, 2 टाइप ए और 1 टाइप सी, साथ में आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाएगा जिसको प्रेस करेंगे तो अगर 1 LED जल रही है तो मतलब 25% चार्ज है, 2 है तो 50, 3 है तो 75 और 4 है तो 100% पावर बैंक चार्ज है। बाकी ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, लेकिन इनका जो 10,000 mAh वाला पावर बैंक था ना वो एकदम एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है। इतना ज्यादा प्रीमियम पावर बैंक भाई साहब, मजा आ गया था। उसके अनबॉक्सिंग हमने अभी डाली थी कुछ दिन पहले, वो आप देख सकते हो, वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता था। इसके अलावा साइड में आपको ये बटन मिल जाएगा जिसको प्रेस करके आप इसकी बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, या फिर इसको लो पावर मोड पर डाल सकते हो, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी इसका वेट जो है ना पावर बैंक का, वो 440 ग्राम है और 3i के जितना ही है, दोनों सिमिलर वेट के साथ आते हैं। अब देखो इस पावर बैंक के कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं ना, इसमें आपको 2-way चार्जिंग मिलेगी, मतलब आप इस पावर बैंक को जब चार्ज कर रहे होंगे चार्जर से, उसी टाइम पर अपने डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाओगे, मतलब एक चार्जर से ही आपका पावर बैंक चार्ज होता रहेगा और आपके पावर बैंक से आपका फोन भी चार्ज होता रहेगा, और चार्जिंग जो होगी वो बाईपास होगी। इसके अलावा लो पावर मोड मिल जाएगा जिसका यूज करके आप अपनी छोटी मोटी एक्सेसरीज को चार्ज कर पाओगे लो पावर मोड पर, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, TWS ईयरबड्स वगैरह। तो इसे ऑन करने के लिए साइड में जो बटन दे रखा है इसको 2 बार एकदम से प्रेस करना और ये लो पावर मोड पर चला जाएगा, और LED इंडिकेटर्स भी आपको इंडिकेट कर देंगे कि इस टाइम लो पावर मोड पर है। बाकी सब ट्रिपल आउटपुट ले पाओगे, मतलब 3-3 डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर पाओगे, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हाँ आप 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर पाओगे। इसके अलावा इस पावर बैंक में हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी मिलती है, इससे पहले जितने भी पावर बैंक आए थे 3i वगैरह उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती थी, तो ये लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, वो भी हाई डेंसिटी वाले, जिस वजह से ये पावर बैंक काफी अच्छी बैटरी के साथ आता है, काफी लंबे टाइम तक इसकी बैटरी चलेगी। बाकी यार आप सभी को पता ही है इसका पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम 33 वॉट का है, और इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो 30 वॉट की मिलती है, 30 वॉट की चार्जिंग से ये पावर बैंक चार्ज हो जाता है। अगर आप इसको चार्ज करना चाहोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चार्जिंग का टाइम दे रखा है, अगर इसको 18 वॉट से चार्ज करेंगे तो 6.9 आवर्स लगेंगे, और अगर आप इसको 10 वॉट से चार्ज करेंगे तो लगभग 10.5 घंटे लगेंगे। अब देखो इसकी चार्जिंग स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने आईफोन को चार्ज करके दिखाता हूँ। आईफोन की बैटरी 36% है और मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी देखते हैं कितनी देर में ये चार्ज होगा, और ये टेस्ट हम 5 मिनट का करने वाले हैं, तो 5 मिनट के हिसाब से आप फिर कैलकुलेट कर लेना कितनी फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। और ये जो फोन है ये आईफोन 15 प्लस है, और आपको पता होगा आईफोन 15 प्लस जो है उसमें काफी बड़ी बैटरी मिलती है, मतलब जो है आपको कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो चार्जिंग लगेगी अगर आप आईफोन 15 से कंपेयर करके देखेंगे। तो इतना आप चार्जिंग स्पीड देख रहे हो, आपको एक चीज बता देता हूँ जो मैं बताना भूल गया, ये यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो है Xiaomi पावर बैंक 4i 20,000 mAh पावर बैंक की, इससे पहले किसी ने भी ये वीडियो नहीं डाली है, तो इस बात पे यार लाइक करना बनता है। चार्जिंग टेस्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको चार्जर से भी निकाल देता हूँ, तो 45% हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो हमने इसको 36 पर लगाया था, तो यार 5 मिनट में मेरा आईफोन 15 प्लस 9% चार्ज हो गया, तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्पीड है, मतलब ये 10,000 mAh वाला जो पावर बैंक था जिसमें 22.5 वॉट की चार्जिंग मिल रही थी उससे भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग मुझे मिल रही है, क्योंकि ये जो आईफोन्स है ये 20 वॉट बोलता है 15 सीरीज में एप्पल वाले, लेकिन ये उससे ज्यादा चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है लगभग 27 वॉट तक।
मेरे इस एंड्रॉइड फोन की बैटरी 49% चार्ज है और मैं इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ और स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो मेरा फोन है ना, ये 33 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। मतलब इसके फोन के साथ जो चार्जर आया था वो 33 वॉट का था और ये चार्जिंग स्पीड भी 33 वॉट ही सपोर्ट करता है। तो देखते 33 वॉट के पावर बैंक से कितना फास्ट चार्ज होता है और ये टेस्ट भी हम 5 मिनट के लिए करने वाले हैं। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी हम ये टेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारे फोन की स्क्रीन ऑन है, तो स्क्रीन ऑफ करके चार्ज करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। और एक चीज और है, ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसी के अंदर कर रहे हैं तो टेम्परेचर से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है चार्जिंग स्पीड पर। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में चार्ज करेंगे तो चार्जिंग स्पीड आपको स्लो मिल सकती है। 3, 2, 1 स्टॉप। तो हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है और लगभग हमने 5 मिनट चार्जिंग का टेस्ट करके देख लिया है और हमने इसको 49 पर लगाया था और 58 हमारी फिलहाल बैटरी परसेंट हो रही है। तो मतलब लगभग वही है, हमारा एंड्रॉइड भी जो है 9% चार्ज हुआ है 5 मिनट की चार्जिंग पर और ये फोन हमारा 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता था। इसके अलावा Xiaomi ने अपनी वेबसाइट पर बता रखा है कि ये पावर बैंक iPhone 15 Pro Max को 50% 29 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। सेम इसी तरह Redmi Note 13 Pro Plus जो है 29 मिनट्स में हो जाएगा और Xiaomi 14 जो है 50% 30 मिनट में हो जाएगा। अब आगे अगर आप सोच रहे हो कि ये पावर बैंक आपके फोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है, तो आइडियली देखा जाए ना, नॉर्मल केसेस में कोई सा भी स्मार्टफोन हो लगभग 3 बार तो आराम से चार्ज हो जाएगा और अगर बैटरी छोटी है तो हो सकता है आपका फोन जो है 4 बार भी चार्ज हो जाए, लेकिन 3 बार तो आराम से चार्ज हो जाएगा ये मान के चल सकते हो कोई सा भी फोन हो। 6000 या 7000 mAh बैटरी है आपके फोन में तो भाई अलग केस है। इस पावर बैंक में आपको 33 वॉट का आउटपुट मिलता है और टाइप सी मिलता है और पावर डिलीवरी भी मिलता है, तो ऑन पेपर जो है मैकबुक के हिसाब से काफी बढ़िया लग रहा है, बैटरी कैपेसिटी भी बढ़िया है। तो उसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे मैकबुक को चार्ज कर पाता है या फिर नहीं और कितनी स्पीड से चार्ज करता है। तो यार मेरे पास मैकबुक एयर M1 है, हम इसको चार्ज करके देखने वाले, मैंने चार्जिंग पर लगा रखा है क्योंकि मैकबुक जो है ना थोड़ा मतलब डेटा कलेक्ट करने में स्पीड वगैरह मतलब समझने में आपस कनेक्शन बनाने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए मैंने पहले से चार्जिंग पर लगा दिया था। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले 5 मिनट का ही टेस्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हो 29% हमारी बैटरी है, मैंने टेस्ट को स्टार्ट कर दिया और देखते हैं 5 मिनट बाद कितनी हमारी बैटरी होती है। और यहाँ पर मैं ऊपर भी दिखाऊँ ना तो ये दिखा रहा है 2 घंटा 33 मिनट में मेरा फुल मैकबुक चार्ज हो जाएगा। मतलब अभी मेरा 29% है, मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हारा 71% जो है ना वो 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। मैं मान के चल सकता हूँ मेरा ये जो पावर बैंक है ना ये आराम से मेरे मैकबुक को 3 घंटे में चार्ज कर सकता है और मैं ऑन द गो ले जा सकता हूँ। और एक चीज़ और होती है, काफ़ी बार ऐसा होता है काफ़ी कुछ पावर बैंक ऐसा आता है जो सिर्फ पावर दे पाता है हमारे मैकबुक को लेकिन चार्ज नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारा मैकबुक जो है पावर जो है पावर बैंक से लेने लगता है लेकिन अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करता। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये हमारे मैकबुक को भी चार्ज कर रहा है, हम मैकबुक को यूज़ भी कर पा रहे हैं और हमें पावर भी मिल रही है डायरेक्टली पावर बैंक के थ्रू। तो लो भाई हमारी चार्जिंग पूरी हो चुकी है और 5 मिनट का टेस्ट था, मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ, बैटरी परसेंट दिखाऊँ तो 34% दिखा रहा है। तो हमारा 5 मिनट में लगभग 5% ही चार्ज हुआ है क्योंकि हमने 29% पर लगाया, 34 हो गई है तो मतलब 5% 5 मिनट में चार्जिंग मिली है। भाई अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग स्पीड मिली है क्योंकि जो मैकबुक है ना इसके साथ भी चार्जर 30 वॉट का ही आता है, हालांकि नए वाले मैकबुक्स के साथ भी आपको 30 वॉट का ही चार्जर मिलता है लेकिन वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन आपके जो चार्जर है ना मैकबुक का जितनी स्पीड से वो चार्ज कर पाता है उतने ही स्पीड से ये पावर बैंक भी आपके मैकबुक को चार्ज कर पाएगा। अब देखो Xiaomi पावर बैंक 4i 10,000 mAh बैटरी में भी आया था और ये हमारे पास 20,000 mAh बैटरी वाला है, हमने उसकी भी अनबॉक्सिंग डाली थी 10,000 mAh वाले की, आपस में कंपेयर करके दिखाऊं तो वो 1300 का आया था और 1300 की प्राइसिंग में काफी प्रीमियम क्वालिटी मिलती थी, ये जो है इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है। बाकी और जो डिफरेंस है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बैटरी कैपेसिटी में डिफरेंस मिलेगा, वो 10,000 mAh है 20,000 mAh है, बाकी वो एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है, ये प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। उसके अलावा उसमें आपको 22.5 वॉट का आउटपुट और इनपुट मिलता था, ये 33 वॉट के आउटपुट और 30 वॉट के इनपुट के साथ आता है, बाकी कुछ मेजर डिफरेंस है नहीं। और साइज को कंपेयर करके बताऊं तो एग्जैक्ट सेम डाइमेंशंस मिलते हैं, बस इसकी थिकनेस जो है वो दुगनी है 10,000 mAh पावर बैंक की कंपैरिजन में। 3i भी है और 4i भी है, अगर आपके पास 3i है आप सोच रहे हो कि ये पुराना हो गया, बैटरी बैकअप कम हो गया या फिर कुछ ज्यादा फीचर्स आ गए, तो आपस में एक बार कंपेयर करके आपको बता देता हूँ रफली। तो मेरे पास जो है ना ये पावर बैंक ये 3i है 20,000 mAh वाला कैपेसिटी का। अब आप देखेंगे इस पे मैंने स्किन लगा रखी है, थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, अदरवाइज ये दोनों सेम डिजाइन के साथ आता है, सेम फील आती है टच करने में, कलर भी सेम है
पोर्ट्स वगैरह एग्जैक्ट सेम है, बस पोर्ट्स में डिफरेंस ये है कि जो 4i है उसमें सिर्फ टाइप सी मिलता है, 3i में टाइप सी के साथ साथ आपको माइक्रो यूएसबी का भी पोर्ट मिलता था। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड में भी डिफरेंस है, ये जो 3i है ये 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये आपको पता ही है 33 और 30 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखो इस पावर बैंक का जो प्राइस है ना वो 2200 रुपए है और ये जो 3i लॉन्च हुआ था ना 20,000 mAh वाला, ये भाई 1500 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद भाई प्राइस बढ़ गया था 1800 हो गया था, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है 2200। लेकिन अच्छी बात यह है कि फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो फास्ट चार्जिंग के हिसाब से और जो फीचर्स मिल रहा है, जो सेफ्टी मिल रही है इसमें, तो मेरे अकॉर्डिंग 2200 में वर्थ है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको एक ऑफर बता रहा हूँ भाई, इस पावर बैंक को ना हम अपने के स्टोर पर सेल कर रहे हैं और ये अंडर 2000 रुपीज मिल जाएगा, मतलब काफी क्रेजी प्राइस पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर परचेस कर लो। अगर वो परचेस नहीं हो पाता या फिर आउट ऑफ स्टॉक दिखता है तो भाई अमेजोन से जाकर खरीद लेना, मैंने अमेजोन की भी लिंक दे रखी है। बाकी हमने इनका पॉकेट पावर बैंक और 10,000 mAh वाला पावर बैंक सभी की वीडियो डाल रखी है, वो भी जाकर डिटेल में देख लेना। और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हो, ऐसे हम काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्राइस पर आपको मिल जाएगा, मतलब काफी क्रेजी प्राइस पर।